पाटिल एक बात समझ में नहीं आई, दिलीप ने अपने बचपन की खास दोस्त कत्ल किया, यही नहीं कत्ल के बाद खुद सामने आकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, और यहां तक कि उस हथियार को जिसे कत्ल हुआ था उसको भी बरामद करवाया। लेकिन पाटिल चौंकाने वाली बात यह कि उस चाकू पे उंगलियों के निशान है मेरे, यदि दिलीप ने कत्ल किया तो चाकू पर से उंगलियों के निशान मिटाए क्यों? पाटिल ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है सतही तौर पर, कातिल कोई और है और वो बहुत चालाक है, उसने कत्ल के बाद चाकू से उंगलियों के निशान मिटा दिया ताकि केस को हल्का किया जा सके, हमें गुमराह किया जा सके। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो कोई ना कोई सुराग मौके वारदात को जरूर छोड़ा होगा जो हमें उसके गिरेबान तक ले जाएगा। हम मौके की एक बार फिर से पड़ताल करेंगे, आओ मौके वारदात पे चलते हैं।